भाई ईद गुजर गई लेकिन आप नहीं लेके गए, ये बच्चों के साथ भी ज्यादती है और हमारे साथ मेरे साथ भी ज्यादती। अभी मम्मा का मूड खराब है। तुम्हें तो एक ही बात आई है, मम्मा का मूड खराब है, मम्मा का मूड खराब है। तुम जैसे मम्मा के संतरी रखे हुए हो, संतरी रखे हुए, संतरी मंत्री मंत्री। अल्लाह का शुक्र ये के साथ खाना बना रही है, खाने की जो ध्यान खाना पीने को मिल रहा है। खाने पीने को नहीं मिलता ना फिर भूखे रह जाते, खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ता। तो बेगे के साथ खाना वाना बना, बात नहीं कर रहा है। जॉब पे जाना है तो मैं नहीं चाह रहा कि जॉब जाने से पहले फिर से हो जाए। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉग। तो भाई उठ गए दोपहर के तकरीबन 12 बज चुके हैं, उठे और बच्चे भी उठ गए। बच्चे तो उठते साथ ही मोबाइल में लग गए। और जहाँ तक रही बेगम की बात, तो बेगम का मुँह रात का जो है ना ऐसे हुआ है, नाश्ते का बोला है, नाश्ता बना रही थी बेगम ने साथ सब, बिल्कुल ऐसे होके चल रहा है काम। तो देखें अभी हमने जॉब पे भी जाना है, तो देखते हैं कुछ सेटिंग वेटिंग जो होती है। अभी चलते हैं कुछ पापे वगैरह लेके आते हैं, आज पराठे नहीं बने हुए। तो बेगम ने कहा बना रही भी हूँ, मैं बोला तो हम जा रहे हैं, हम कुछ नाश्ते के लिए चाय बना रही है बेगम, तो पापे हम ले आते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को लगा दें ऑल पे। तो चले चलते हैं, पापे वगैरह लेके आते हैं, फिर आके नाश्ता वगैरह करेंगे। फाइनली पापे लेके आ गए और बच्चे भी उठ गए, उठे हुए थे मोबाइल में लगे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम बोले। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे तस्वीर क्यों आ रही थी, ऐसे बोले आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब भी अब हम भी जो है नाश्ता करते हैं, और हमारी मानो को भी भूख लगी हुई है। मानो भूख लगी हुई है, तो साथ में मानो के आगे कुछ खाना बनाने डालते थे, मानो भी खाना खा ले। मानो मानो का खाना, मानो का खाना, मानो आ जाओ आ जाओ। नबी पकड़े मोबाइल, अब खाना भूखी हुई है, भूखी हुई है, मजे मजे का खाना खाएगी। इसमें तो चूंडियां बाबू। फिर क्या करें पापा, इसमें तो चूंडियां हैं, अब क्या करेंगे? इसमें डालते हैं, नहीं खा सकती इसमें, जमीन पर डाल दो। तो भाई फाइनली नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ते में पापे हैं, नादिया भी है, अबू बकर भी है, चाय भी है। तो चलें नाश्ता करते हैं, और बेगम का मूड, बेगम आप नाश्ता कर ले, बेगम नाश्ता भी नहीं करी। अभी नाश्ता तो कर लो ना, बात करने को छोड़ो, नाश्ता तो कर लो, बना के दिया अब कर भी दो ना नाश्ता। हाँ नहीं क्यों, घुमाने घुमाने टाइम क्या, काम हम छोड़ दूँ क्या? हाँ काम हम छोड़ दूँ, घूमना आता रहूँ बस, काम हम छोड़ के ना। अभी अबू बकर आप बोलो ना मामा को नाश्ता करने का, मेरी नहीं सुन रही, बच्चों की तो सुन लो, बच्चों की सुनिए, थोड़ा नाश्ता तो कर लो, नाश्ता कर लो थोड़ा सा। हाँ नहीं नाराजगी अपनी जगह की, नाश्ते से थोड़ी नाराजगी, खाने से नाराजगी थोड़ी होती है ना, अभी खाने से नाराजगी होती है, नहीं बंदों से नाराजगी होती है, खाने से नाराजगी तो नहीं होती ना। तो चले यार नाश्ता करवाते हैं, बेगम की तरफ बोलते हैं, बेगम कहाँ उठ रही, उठो नहीं बैठो, यहीं बैठो, उठो नहीं बैठो, नाश्ता करवाते हैं। नाश्ता कर लिया था, तो अब जो है बेगम को भी नाश्ता करा ही दिया था, अल्लाह अल्लाह करके बोल बोल के करा ही दिया बेगम को नाश्ता। बेगम अभी भी जो है कुछ घर के कामों में मसरूफ है, और साथ हमसे तो बात नहीं कर पा रही, हमसे बात कर रही नहीं है, बोल रही भी है तो आगे से जवाब नहीं दे रही। तो अभी हमने जॉब पे भी जाना है, तो कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, जॉब पे जाने की तैयारी करते हैं, और फिर जो है कुछ थोड़ा बहुत खाना बन रहा है, अल्लाह का शुक्र ये के साथ खाना बना रही है, खाने की जो है ध्यान खाना पीने को मिल रहा है। खाने पीने को नहीं मिलता ना फिर भूखे रह जाते, खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ता। तो बेगम साथ खाना वाना बना रही है, ये अच्छी बात है। तो चलें फिर नमाज वमाज पढ़ेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर जॉब पे जाना है, जाते हैं। दोबारा बेगम से बात करने की कोशिश नहीं करते, अभी नहीं करेंगे, अभी जॉब पे जाते हैं, रात को वापस आएंगे, फिर देखेंगे क्या पता जॉब से वापस आए तो क्या पता कुछ मूड बेहतर हो जाए। भाई फाइनली खाने का टाइम हो गया, और खाने में हम खा रहे हैं क्या, दाल चावल, दाल थी हमारे पास, हमने साथ चावल बोल चली, और वो पकड़ खा रहे हैं चीनी चावल, दूध के बगैर भी खा लेते हैं वो। तो खाना खाते हैं, और बेगम को भी बोला है खाना खाने का,
थोड़ा बहुत खिला देंगे, जैसे हमने थोड़ा बहुत नाश्ता करवा दिया था तो थोड़ा बहुत खाना पापा एक ही खाया बस गुजारा खिला देंगे ना, समझो ना। और अभी हम ज़्यादा मैं तो ज़्यादा बात नहीं कर रहा, आप लोग ही बोलना सही है ना, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा। जॉब पर जाना है तो मैं नहीं चाह रहा कि जॉब जाने से पहले जो है फिर से गुम हो जाए। तो चलिए खाना खाते हैं, एक मुँह खिलाने की कोशिश आप करते हैं, मम्मा खिलाने की, चलें खाना खाते हैं। नहीं खाना मैंने, खाओ तो सही, नहीं खाना दो तीन लुक में लगा लो, ज्यादा नहीं खाओ, खा लो प्लीज, खाओ चलो खा लो। भाई फाइनली जॉब पे चले गए थे और अब जॉब से वापस आ गए हैं और अब ये खाना खाने का टाइम हो गया, खाना खाते हैं और फिर बेगम को मनाने की थोड़ी कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। सुबह से तो जॉब पे चले गए थे, बात ही नहीं की, बेगम ने अपना सर पकड़ के बैठी कि मैं सर में दर्द हो रहा है, मुझसे बात नहीं करना बिल्कुल भी, फिर भी कोशिश करेंगे फिर भी बेगम मान जाए, लेकिन अब देखते हैं जो भी ये घर का माहौल है बिल्कुल ऐसे हुआ है, बिल्कुल बात नहीं कर पा रही, तो मतलब कि आपको पता नहीं लड़ाई वगैरह होती है क्या, वो भी तो मम्मा का बोला भी बहुत खराब है, खराब ही है हाँ। घूमने नहीं लेके गए, क्या नहीं लेके गए, तुम लोगों को सबको घूमने की पड़ी है, तुम सब घूमने हाँ, घूमने के अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है, घूमने घूमने सुबह स्कूल जाने, चलो जल्दी सो जाओ, तुम्हारा भी इलाज करना पड़ेगा मुझे, हाँ तुम्हारा भी इलाज करना पड़ेगा लगता है मुझे। तो चले यार खाना खाते हैं, खाना वगैरह खा लिया और हम जरा कोशिश करते हैं बेगम, अभी मम्मा का मूड खराब है, तुम्हें तो एक ही बात आई है, मम्मा का मूड खराब है, मम्मा का मूड खराब है, तुम जैसे मम्मा के संतरी रखे हुए हो, संतरी रखे हुए हो, संतरी मंत्री जंतरी हाँ। हाँ। बेगम अभी क्या मूड है मम्मा का, खराब कब से होगा ये, बिगड़ा हुआ कब से होगा, जब तक आप घुमाने नहीं लेके, घुमाने टाइम क्या, मैं काम वाम छोड़ दूँ क्या, हाँ काम वाम छोड़ दूँ, घूम में आता रहूँ बस, काम वाम छोड़ के जो भी करने करो बस हमें घुमाने लेके, तुम्हारा तो काम यही है। बेगम बेगम वो बैठी हुई है सामने लेकिन बोल रही नहीं है, बेगम बेगम बात कर लो, हाँ नहीं ना ना रे क्या हुआ, मेरे पहले ही सर में बहुत दर्द है मेरा और दिमाग नहीं खराब, मैं सर में दर्द है तो हमसे नाराज होगी तो सर में दर्द होगा ना, लाजिम बात है ना भैया, हमसे नाराज होगी तो सर में दर्द ही होगा ना, देखो बाबा बाबा बैठे हो, बाबा की बद्दुआ लगी तुम्हें, मैं सर में दर्द हुआ है, बस बस बाबे बाबा बाबा अल्लाह माफी दे बाबे, बाबे को और हर चीज के लिए टाइम है, बाबे के पास हमारे लिए टाइम नहीं है, तो क्या टाइम ही टाइम है, घर में बैठे हो ना, कितना टाइम हो घर में बैठे, अभी ये कौन से घर में बैठे हैं, बस थोड़ी देर के लिए अभी बोलेगा उठो 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 सो जाओ सुबह मैंने मॉर्निंग पे जाने, वो तो बोलने सुबह मॉर्निंग ड्यूटी है, ड्यूटी ड्यूटी मॉर्निंग ड्यूटी है तो क्या, मैं सोऊंगा तो सुबह काम पे जाऊंगा ना, वहाँ 8 घंटे जाके काम करना पड़ता है ना, वो थोड़ी है कि जाके मुझे बोलेंगे आ बेटा तू सो के नहीं आया, तू बैठ के आ जाके आगे सो जा, वो काम करवाते हैं, मैं यही बोल रही हूँ आपके पास हर चीज के लिए टाइम, हाँ हर चीज के लिए टाइम है, बस हमारे लिए टाइम, तो टाइम है और कैसा टाइम हो आप बताओ यार, आप कमेंट में बताओ क्या, बताओ कैसा टाइम हो, टाइम क्या है, घर पे है उनके साथ है कि बाजार लेके जा रहे, सब ये घुमाने फिराने की बात है यार, वो कभी नहीं, तो जाहिर सी बात है अब सब्जी लेके आनी है, अब चीजें लेके आनी है, वो तो आपको पता है वो तो मजबूरी है, लेके जाना ही पड़ता है, तो फिर लेकिन मैं घुमाने की बात कर रही हूँ भाई, ईद गुजर गई लेकिन आप नहीं लेके गए, ये बच्चों के साथ भी ज्यादती है और हमारे साथ मेरे साथ भी ज्यादती, बच्चे तो सही बच्चे हम आपको घुमा के ले आएंगे, आप तो मेरे बच्चे मस्ता नहीं है, तो मैं भी आपको कट्टी हूँ, आप सही कह रहे हैं, मम्मा भी मम्मा की चेली नहीं बनने दरवेट चुप करके, मम्मा की चेली मम्मा की चेली, तो चलो यार ब्लॉग को एंड करो, ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ भाई, ये लोग जो है ना अभी दुश्मन बन रहे हैं मेरे, ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, कल मिलेंगे नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल अल्लाह हाफिज़।